नड़ाबेट बॉर्डर के पास हुए 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में बीएसएफ ने आक्रमणकारियों को रोककर उनकी 15 चौकी और 1038 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके को कब्जे किया था और अब इस बॉर्डर को ओपन कर दिया है आम नागरिकों के सीमा दर्शन के लिए। तो आज मैं आपको मेरे साथ घुमाऊंगा ये पूरी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। नड़ाबेट बॉर्डर बनासकांठा जिले के सुईगाम तालुके में आई हुई है जो कि सुबह 9 बजे से रात को 7 बजे तक प्रवासियों के लिए ओपन होती है। सुबह सुबह हम निकल गए हैं वहां जाने के लिए। जैसे जैसे आपको रण दिखने लगे तो समझ जाइए कि आप बॉर्डर के करीब पहुंचते जा रहे हैं। बॉर्डर के पास ही में है नटेश्वरी माता जी का सुप्रसिद्ध मंदिर। वहां के इतिहास के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, अगर आप देखना चाहें तो लिंक इतनी डिस्क्रिप्शन। उसके बगल में है माता जी का पुराना मंदिर जहां आज भी लोग चूड़ी बांधकर अपनी मन्नत पूरी करते हैं। दर्शन का लाभ लेने के बाद हम आ जाते हैं गुजरात टूरिज्म और बीएसएफ के द्वारा बनाए गए अलग अलग प्रदर्शनों को देखने के लिए। वहाँ की एंट्री टिकट एडल्ट की 100 रुपए और चिल्ड्रन के 50 रुपए है। सुना सफर पर प्रेम नगर है, मिल पाएंगे क्या हम तुमसे, जो रात बीती सुबह तो आई ना, छोटी उम्र पर बड़ी नजर है, मिल जाएंगे ये हम तुमसे, छुपा छुपाई अब तुम्हारे आस पास आ रही बारात, करना इनकार बार बार देना साथ, अब तुम्हारे आस पास आ रही बारात। वहाँ पर बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज भी थी। एक स्टेडियम भी था जहाँ पर हर रोज शाम को 6 बजे बीएसएफ द्वारा परेड की जाती है। बहुत सारी गेम्स भी थी। वीआईपी गेस्ट के लिए विशेष शटल व्यवस्था की सुविधा भी थी। और अगर आप फोटो या फिर वीडियो लेने के लिए वहां पर आ रहे हैं तो ट्रस्ट मी, आप अपना मोबाइल या फिर कैमरा नीचे कर ही नहीं पाएंगे, उतनी सारी अच्छी अच्छी बेस्ट लोकेशन वहां पर थी। Hey, oh, it's Zidu. And I'm going to sing this song exclusively for the Indian Army. I love Indian Army. And I want to thank our soldiers for their service for our country. Let's go. Fauji veer Hindustan ka ye ant hai shaitan ka, ise koi na kabhi rok sake, ye karta jo hai thaan. Fauji veer Hindustan ka ye ant hai shaitan ka, ise koi na kabhi rok sake, ye karta jo hai thaan. Beta बच्चों का खेल नहीं फौज है ये, जी तोड़ है मेहनत नहीं मौज है ये, लड़ते हैं जंग हर दिन रोज है ये, फुल जोश का हाई डोज है ये, चले फौजी सीना तान के, सर पे है कफन ये बांध के, एक तिरंगा दूसरा फौजी पहचान है देश किसान के, भारत माँ के लाड ले, दिखे दुश्मन उसको गाड़ दे, जिद पे जो अड़ जाए ये दुश्मन की ये फाड़ दे, बेटा हाथ में इसके असला, सुलझा देता है हर मसला, बस है आगे बढ़ना ना पीछे हटना, ज्ञान न ज्यादा झाड़ दे। फौजी वीर हिंदुस्तान का ये अंत है शैतान का, इसे कोई ना कभी रोक सके, ये करता जो है ठान। फौजी वीर हिंदुस्तान का ये अंत है शैतान का, इसे कोई ना कभी रोक सके, ये करता जो है ठान। मम्मी की गोदी में बैठा रे बेटा, उठना नहीं तू लेटा रे बेटा, फौज में आना जोश में आना, सपना इसका लेता रे बेटा, हार्ड वर्क ना करना, बस एक दिन तुझको है। तो ये सब चीजों को एंजॉय करने के बाद हम गवर्नमेंट बस लेकर पहुंच जाते हैं बॉर्डर देखने के लिए, जो कि इस जगह से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पहुंचने के लिए रास्ते में आपको कई सारे अलग अलग नज़ारे देखने मिलेंगे। वहाँ पर बीएसएफ द्वारा अपनी तोप भी रखी गई है, मिसाइल भी रखी गई है।
वहाँ आप अपनी गाड़ी भी लेकर जा सकते हैं, उसके लिए आपको अलग से परमिशन लेनी पड़ेगी। बॉर्डर पर पहुंच जाने के बाद आपको एक से एक अच्छी लोकेशन देखने मिलेगी। मॉनसून का टाइम है, इसीलिए पूरा रेगिस्तान जैसे कि समुद्र में तब्दील हो गया है, ऐसा आपको देखने मिलेगा। इस पे भी हमने वीडियो बनाई हुई है, द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वहाँ पहुँचने के बाद आपको व्यूइंग डेक, सेल्फी पॉइंट जैसी बहुत सारी अलग अलग लोकेशन मिलेगी, जहाँ पर आप अच्छे से अच्छा फोटोशूट कर सकते हैं। वहाँ पर उस बॉर्डर के बारे में बहुत सारी जियोग्राफिकल डिटेल्स दी गई है, जो कि आप देख सकते हैं। वहाँ पर स्पेशल एक रोड बनाया गया है, जो कि BSF अपने पेट्रोलिंग के लिए यूज़ करती है। वहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच में जीरो लाइन बॉर्डर है, मतलब कि तार के उस तरफ पाकिस्तान है और इस तरफ हिंदुस्तान है, यानी कि अपना प्यारा भारत। वहाँ से आप पाकिस्तान के पर्वत यानी कि माउंटेन्स बहुत ही अच्छे से देख सकेंगे। वापस लौटते समय आपको बहुत ही अच्छी लोकेशन देखने मिलेंगी, जिसमें बहुत सारे बगला यानी कि फ्लेमिंगोस होते हैं। बीच बीच में जो आपको छोटी छोटी पहाड़ियाँ देखने मिलेगी, जो कि चारों ओर बबूल के पेड़ यानी कि बावल के पेड़ से घिरी हुई होती है, वो एक तरह से BSF का कैंप है। आप ध्यान से देखोगे तो आपको वहाँ पर BSF के वॉच टावर्स देखने को मिलेंगे। तो ये था आज के वीडियो में, आप बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड वी विल मीट सून इन अवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी।